दोस्तों किसी न किसी वजह से हमें क्लाउडफेयर से अपनी वेबसाइट ब्लॉग को डिलीट करना होता है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम क्लाउडफेयर में फ्री SSL लेते हैं अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए, तो SSL ठीक से काम नहीं करता। कभी कभी HTTPS की एरर आती है, कभी कभी वेबसाइट ओपन नहीं होती या ठीक से SSL इंस्टॉल नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम एक बार वेबसाइट तो ऐड कर लेते लेकिन हमको डिलीट करना नहीं आता। तो इस कंडीशन में हम आपको बताएंगे कैसे हम SSL से वेबसाइट ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करने के बाद फिर से उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो सिंपल सा आपको साइनअप होना है। अगर साइनअप पहले से होंगे क्योंकि वेबसाइट डिलीट कर रहे हैं तो आप लॉगिन हो जाएं। ठीक है, लॉगिन आपके पास ये है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, एंड आपके पास आपको कौन सी वेबसाइट डिलीट करनी है आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मुझे यहाँ एक वेबसाइट को डिलीट करना है एंड यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, तो आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर लिखा है रिमूव साइट फ्रॉम क्लाउडफेयर। ठीक है, आप कब करेंगे रिमूव? जब आपका SSL ठीक से वर्क नहीं कर रहा या इंस्टॉल नहीं है या HTTPS का रिडायरेक्ट ठीक नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप रिमूव करके दोबारा आप ऐड कर सकते हैं और फिर से न्यू जनरेट कर सकते हैं SSL, क्योंकि फ्री SSL में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम रिमूव साइट फ्रॉम क्लाउडफेयर पर फंक्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिस साइट को आप सिलेक्ट करेंगे वही साइट यहाँ पर डिलीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने chipcoservice.info को सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पर रिमूव साइट फ्रॉम क्लाउडफेयर पर क्लिक करते हैं। यहाँ से पूछ रहा है क्या कन्फर्मेशन के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करते कन्फर्म को। तो देखिए दोस्तों आपकी दोनों साइट आपको दिख रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ से ये डिलीट हो चुकी है जिस वेबसाइट को हम डिलीट करना चाह रहे थे। अब आपको न्यू जोड़ना है दोस्तों, तो यहाँ पर ऐड साइट लिखा हुआ है। ऐड साइट पर आप डोमेन नेम डालेंगे इसे example.com, मतलब आपको HTTP या HTTPS कुछ नहीं रखना, केवल डोमेन नेम लिखना है। तो हम डोमेन नेम ले लेते हैं। ठीक है, एंड ऐड साइट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एंड फ्री सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंफर्म प्लान कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्लाउडफेयर से वेबसाइट या ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं और आप फिर से उसे रीसबमिट कर सकते हैं या फिर न्यू ऐड कर सकते हैं वही डोमेन नेम को। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। दोस्तों इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।